क्या हुआ सर? मेरे ना आपके बगैर दिल नहीं लगता जी, मुझे सुकून नहीं मिलता। जाना तो है मगर लौट आऊंगा, ऐसे ही तो चल रहा। आप ना बुरा ना मानना जी, लेकिन ये मेरे दिल की बात है। मेरी किस्मत में ऐसा साथ क्यों लिखा है जिसमें हफ्तों हफ्तों महीनों की दूरी है? औरों के भी तो शौहर होते हैं ना, आते हैं, रहते हैं, घूमने जाते हैं, ऐसे ही होता है ना, जैसा होना चाहिए वहाँ पे भी जैसा है। तो फिर मुझे ऐसा साथ क्यों नहीं मिला, मुझे ऐसा घर क्यों नहीं मिल रहा? जल्दी आ जाऊंगा, बहुत जल्दी। मुझे ना अब आपके पास रहना है, मुझे ना अपने साथ ले चले, मुझे बड़ा डर लगता है यहाँ पे। और ये सोच सोच के कि उसको जिस दिन पता चल गया कयामत आ जानी है जी। कैसी बच्चों सी बातें करती हो तुम, अभी भी डरती हो? बीवी हो तुम मेरी, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देखें जी, मेरे सर पर किसी अमीर बाप का साया तो है नहीं, ऊपर खुदा है और नीचे आप। बस बहुत डर लगता है मुझे तो ना, सोच सोच के पसीना आने लग जाता है, इतना डर लगता है। उसको पता चल गया तो बहुत बुरा हो जाएगा, आप मुझे ले चलो साथ। मैं तुम्हारी जगह नहीं भी हूं तो भी डरता हूं, क्योंकि हम सब डरते तो हैं, माने या ना माने, चाहते ना चाहते हुए भी हम रिश्तों की जंजीर में बंधे रहते हैं। एक हाथ आता है तो दूसरा छूट जाता है, पर मैं मैनेज कर रहा हूं। फिलहाल तो मुझे ये फिक्र है कि मेरे बाद तुम खैर से रहोगी भी या अब। अपना ख्याल रखना। सुनो, इधर दरवाजा किसी गैर के लिए नहीं खोलना। अब पैकिंग करो जल्दी।